नमस्कार दोस्तों, इंदौर शहर जो खाने पीने की चीजों के लिए फेमस है और खास करके रोड साइड फूड या स्ट्रीट फूड के लिए, तो कांची मोहल्ले स्थित लाला चाट भंडार, यहाँ पर मिलने वाले पकौड़ों का खासियत ये है, मिर्ची पकौड़ा, अपना पालक पकौड़ा और आलू पकौड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि गर्मा गर्म लोग यहाँ पे चाव से खाते हैं। मैंने लाला चाट हाउस के जो संचालक है उनसे बोला तो बोले 57 साल से हम, ये चौथी पीढ़ी है जो कांची मोहल्ला जो जेल रोड के पास स्थित है उसमें इंदौर के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम बात भी करेंगे, देखेंगे। ये देखिए, पालक के भजिए, मिर्ची का भजिए और आलू भजिए, ये सारे भजिए, ये हर 10-15 मिनट में इसका एक धान उतर जाता है और बहुत ही किफायती है, 30 रुपए में 100 ग्राम। यहाँ की कचौरी और समोसा भी आप देख रहे हैं, 15 रुपए में 2 कचौरी या समोसे मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। संजय जी, ये कचौरी और समोसे इतने 15 रुपए में 2 देते हैं, किफायती हैं, इसका क्या वजह है? इसका है, हम घर के कारीगर है। हाँ, और घर का ही सामान लगता है, घर का सामान है, घर की तेल इसमें कौन सा यूज करते हैं? ये डबल फिल्टर सोयाबीन, सोयाबीन का, बहुत बढ़िया, मतलब शुद्धता भी है और किफायत भी है और लोगों की चाहत जो है। और कितने साल से आपने बताया यहाँ पे हैं? 57 साल, चौथी पीढ़ी है आपकी। तो संजय सोनी जी से भी अभी हमने बात की, और ये आपकी दुकान कब से शुरू होती है? सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक। वेरी गुड। और ये पकोड़े जो हैं ये कितने टाइम में निकालते हैं? ये आलू के, पालक के, मिर्ची के, सभी तरह की वैरायटी, बहुत बढ़िया। और कचौरी और समोसे भी? कचौरी, समोसा, पोहा, जलेबी, उसल, अच्छा सब होता है, ये पोहा है, ये उसल है। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी कांची मोहल्ले पर आकर इन चीजों का आनंद लें और गर्मा गर्म कचौरी, समोसे और खास करके पकोड़े, इनके पालक के पकोड़े बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड में नहीं मिलते हैं रोनी जी, बिल्कुल इतने करारे होते हैं कि आप जो गाने में डले हुए देख रहे हैं, ये भैया नहीं मिलेगा पालक का, ये इसीलिए लोग यहाँ पे चाव से खाते हैं।